तो वही बरेली में किसी बड़ी साजिश के चलते कानपुर से पीलीभीत लाई जा रही विस्फोटक की बड़ी खेप को पुलिस ने रोहिलखंड पुलिस चौकी के नजदीक से पकड़ लिया है। दरअसल बारादरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पीलीभीत डिपो के बस में कानपुर से विस्फोटक लादा गया, जो बस के नीचे लगेज बॉक्स में रखा है। सूचना मिलते ही बारादरी पुलिस सैटेलाइट बस अड्डे और आसपास के आने जाने वाले रास्तों में तैनात हो गई। जैसे ही पीलीभीत डिपो की बस सैटेलाइट बस अड्डे पर पहुंची, उसी दौरान पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया, लेकिन बस का चालक मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने परिचालक मैनपुरी की घिरोर निवासी सुधीर को पकड़ लिया है। बस से विस्फोटक के 4 बोरे बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस थाने में ले गई है। विस्फोटक को पीलीभीत डिपो के बस में नीचे बने लगेज बॉक्स में 4 बोरियों में भरकर रखा गया था। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। बस के परिचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि चालक मौके से फरार है। विस्फोटक मिले की सूचना मिलने पर ATS मौके पर पहुंच गई है, साथ ही मामले में जांच शुरू कर दी गई है। 6 बजे के आसपास हमें इनपुट मिला था कि एक UPSRTC की जो गवर्नमेंट बस है, उसमें एक लो क्वालिटी एक्सप्लोजर लेकर के कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है। हमने बस की चेकिंग करवाई बरेली में, उसमें से हमें 2.5 क्विंटल जो लो क्वालिटी एक्सप्लोजर होता है, जो ज़्यादातर पटाखों वगैरह में इस्तेमाल होता है, उसको हमने बरामद किया है। और हिरासत में 2 व्यक्ति जो इस बस के ड्राइवर हैं मनीष और कंडक्टर हैं सुधीर, दोनों को हमने हिरासत में लिया है। तो पूछताछ चल रही है। सर कहाँ से ला रहे थे और कहाँ खपाने की तैयारी में थे ये लोग? ये फरुखाबाद से लोड किया गया था बस में, और कानपुर के रास्ते होते हुए बरेली तक पहुँचे, और ये पीलीभीत जाना था। बताया ये जा रहा है इनके द्वारा, जब पूछताछ पूछेगी कि किसी पटाखे के सामग्री में इसको इस्तेमाल करना था पीलीभीत में, जो पीलीभीत के लोग हैं और जिन्होंने इसको लोड किया है, उन दोनों की हमारी टीम में लगी हुई है, और जल्द उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे।